हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव चाहे भले ही दूर हो, लेकिन नेताओं ने अपनी किस्मत अजमाना शुरू कर दिया है। पुनाना उपमंडल से ताजा खबर देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें, पुनाना उपमंडल के वार्ड नंबर 21 से जिला पार्षद के भावी प्रत्याशी अली मोहम्मद ने ताल ठोक दी है। वही पुनाना से तिरवाड़ा होते हुए नई गांव में एक रोड शो का आयोजन किया गया। नई गांव में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में करीब हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित रही। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि रहे तौफीक हिंगनपुरिया द्वारा, जहां बिजली मंत्री से लोगों के कार्य पूरा कराने के आश्वासन दिए गए। ऐसे में अली प्रधान की बात करें तो अली प्रधान का जनाधार इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन लोगों के बीच में जहां लोगों की सेवा करने का पूर्ण मन बना चुका है, ऐसे में अगर अली प्रधान की बात करें तो अली प्रधान ने कहा कि मेवात की जनता की सेवा के लिए वो राजनीति में आया है। उन्होंने कहा कि जब से वो राजनीति में है तो पुनाना की राजनीति में काफी उबाल आया है। वही अली प्रधान का कहना है कि अगर लोगों ने वार्ड नंबर 21 से इस बार मौका दिया तो वो अपने वार्ड की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। वही अली प्रधान ने बताया कि आज से पहले वार्ड नंबर 21 से ये नहीं कि जिला पार्षद लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि जिसको भी जिला पार्षद बनाया उसने अपने वार्ड पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं कराया। नई गाँव पहुँचने पर अली प्रधान समेत तौफीक हिंगनपुरिया, जावेद राफेल पटोदी, लतीफ एडवोकेट बार एसोसिएशन पुनाना, गुलाम नबी आजाद एडवोकेट पुनाना को जहां ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और पगड़ी बांधकर मान सम्मान किया। वही तौफीक हिंगनपुरिया की बात की जाए तो तौफीक हिंगनपुरिया इन दिनों बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के खास माने जा रहे हैं। उन्होंने अपने गांव हिंगनपुर में भी रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री का एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था। ऐसे में आज नई गाँव में पहुंचे तौफीक हिंगनपुरिया ने पुनाना की राजनीति में राज कर रहे नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विधायक रईस खान के पुत्रों द्वारा जो गरीबों के साथ झगड़ा कर नाजायज मुकदमा दर्ज कराकर अपनी राजनीति कुछ लोग चमकाना चाह रहे हैं। पुनाना विधानसभा की जनता अब ऐसे नेताओं को सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने जहां वार्ड नंबर 21 से भावी जिला पार्षद अली प्रधान के पक्ष में वोट की लोगों से अपील की, ऐसे में लोगों को आश्वासन दिया कि अगर रात के किसी भी टाइम या दिन के किसी भी टाइम उसकी जरूरत पड़ी तो वे 2400 घंटा जहां लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने मोहम्मद इलियास से कहा कि मोहम्मद इलियास वे विधायक रहीसा खान द्वारा आज तक वंशवाद की राजनीति की, अब उस राजनीति का अंत आ चुका है। वंशवाद को पुनाना की जनता खत्म करना चाह रही है। नई गांव में आयोजित हुए अली प्रधान के स्वागत सम्मान समारोह में जहां भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, ऐसे में अगर बात की जाए तो युवा नेता तौफीक हिंगनपुरिया, जावेद राफेल पटोदी युवा नेता भाजपा, लतीफ एडवोकेट पुनाना बार एसोसिएशन पुनाना, गुलाब नबी आजाद का जहां ग्रामीणों ने गर्मजोशी से फूल मालाओं से स्वागत किया। पुनाना जिला पार्षद वार्ड नंबर 21 से भावी जिला पार्षद उम्मीदवार अली प्रधान ने कहा कि वार्ड नंबर 21 की जनता ने अगर इस बार मौका दिया तो वो अपने वार्ड की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों के सच्चे मसीहा के रूप में कार्य करेंगे। वही उन्होंने कहा कि नेता नहीं बेटा बनकर अपने वार्ड वासियों की सेवा करूंगा। बिजली की समस्या हो चाहे पानी की समस्या हो, हर समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल पाएगी। उन्होंने गंदे रास्तों को देखते हुए कहा कि सबसे पहले इन रास्तों का निर्माण कराया जाए। अपने पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वह अपने छोटे भाई को सुनने के लिए और अपने छोटे भाई की एक कहने पे आप लोग आए और समस्याओं को आप लोगों के सामने जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि गांव ने इतनी बड़ी समस्या रखी है। मैं समझता हूं कि बड़ा दुख होता है। आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं तिरवाड़ा गांव से लेके आप पुनाना से नहीं पहुंचा, गोहिता होते हुए पहुंचा तो बड़े रास्ते खराब थे। पहले यहाँ पे जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, क्योंकि रईसा खान कहते हैं कि भाई नौगयाओं की बाईसी मेरी है, सिंगारियाओं की बाईसी मेरी है। जब इनको वोट देते हैं, जब वोट लेने के लिए ये लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जब ये चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं जीत के, नहीं तो फिर उसके बाद ये नाम तक नहीं लेते। तो मैं पूछना चाहता हूँ चौधरी रईसा से, पहले वो विधायक थे, उन्होंने क्या विकास किया? वो ये कहते हैं कि ये मेरे गाँव है,
मैं समझता हूं कि उन्होंने कभी कोई विकास करके राजी नहीं, सिर्फ वो गलत उनमें है। आप लोगों ने कल परसों से, आप मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहा था, जिस तरीके से उसके भाई ने, भतीजे ने उनके साथ एक गांव में जाके नहीं झगड़ा किया और उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या ये वो है? इसके मतलब वो अपनी पावर को दिखा रहे हैं। आप भी मानते हैं कि राजनीतिक दबाव में मुकदमा दर्ज? हाँ, राजनीतिक दबाव में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जो रईसा खान है वो विधायक रह चुके हैं और अब तो वो जनता के डर से कामा भाग रहे हैं भाई। पहले ही अगर जनता का डर है उसको इसीलिए कामा भाग रहे हैं। वो तो बोले दोनों सीटों पर कब्जा हमारा ही होगा। हाँ, कोई बात नहीं, जनता आने वाले वक्त में बता देगी उनको। तो क्या हमने पुराना की गंदगी साफ कर दिया, हम कामा की गंदगी साफ करेंगे? हमने पुराना भाई नए गाँव के हमारे बुजुर्ग खड़े हैं भाई, चार गांव की कोई गंदगी साफ हुई है रईसा से? कोई साफ नहीं, कोई साफ नहीं। अगर साफ होती तो ये गांव बुजुर्ग है, 70-70 साल के हैं, उल्टी गंदगी है। उन लोगों ने हमेशा राजनीति की है, जब वोट दिए जनता ने तो उन्होंने क्या करा, पार्टी बाजियां बनाई है, चाहे चौधरी इलियास हो, चाहे रईसा खान हो, कोई भी हो, लेकिन वोट के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, हमारे साथ उन्होंने अत्याचार किए हैं, पार्टी बाजी बनाते हैं, बैठ के मुकदमा दर्ज कराते हैं थानों में जाके। मैं इंशाल्लाह अगर बुजुर्गों का, जो आज नई गांव ने, नई गांव की सरदारी ने मेरे सर पे पगड़ी बांधी है, उसका मैं मान सम्मान रखूंगा हमेशा, और इंशाल्लाह इनका बेटा हूं, मेरा कान पकड़ के कभी भी कह सकते हैं किसी काम के लिए, अगर कोई वक्त आया तो इंशाल्लाह इनके लिए मैं हर रात और दिन तैयार रहूंगा, इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे। गांव में नहीं, मैं तीन टंगी तो पहले दिवा दी। विधानसभा के चुनाव से पहले मैं वार्ड 25 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं, तो आप जिला पार्षद का चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे गांव के और इलाके के, आप देख सकते हैं मेरे साथ में सटकपुरी गांव से, मामुदपुर गांव से, सिकरावा गांव से और ख्वाजली कला से और औथा गांव से हमारे फती मेंबर नंबरदार हैं, सारे मेरे हिंगनपुर गांव से सारी सरदारी आई हुई है और सबने एक बात रखी है कि आप जिला पार्षद का इलेक्शन लड़े और इंशाल्लाह आपको कामयाबी बनाएंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द मेरे निवास स्थान हिंगनपुर पर पहुंचेंगे, चाहे अगले महीने में हो, चाहे कभी भी हो, बहुत जल्द घोषणा होने वाली है प्रोग्राम की। और माननीय रणजीत सिंह चौटाला जी जिस दिन से मेवात तशरीफ लाए, उन्होंने मेवात में चार चांद लगाने के काम किए, अब तक मैंने जमींदारों के लिए कम से कम 55 ट्रांसफार्म दिला दिए जो 3 साल से परेशान थे। नई गांव में भी मैंने 3 ट्रांसफार्म दिवाए जलसा से पहले और हर समस्या को मैं इनका वकील बनके, इनका बेटा बनके नहीं, चंडीगढ़ तक पहुंचाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इनका जो इन्होंने पगड़ी बांधी है उसका मान सम्मान रखते हुए मैं इंशाल्लाह वहां पहुंचूंगा। और 21 नंबर वार्ड से हमारे यहां से अली प्रधान लड़ रहे हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि इनको भारी मतों से जिताएं और भाई अली को कामयाब बनाएं इंशाल्लाह। जावेद जी, आज आप नई गांव पहुंचे हैं और जिस तरीके से नई गांव की जो सरदारी है उन्होंने अली प्रधान और साथ ही जो तौफीक हिंगनप्रिया हैं उनको पूरा पूरा समर्थन दिया है, तो किस तरीके से, क्या उद्देश्य है आपका कि इनको सपोर्ट करने के लिए, या क्या लगता है कि आने वाले समय में बदलाव चाहती है? पहली बात तो मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा स्वागत, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, सारी मीडिया का, इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे सबका, कि सबने अली प्रधान को और तौफीक भाई को बहुत इज्जत दी, मुझे चांद पे बिठाया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, मैं इसका बहुत भारी धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये जमीनी लोग जमीन से उठ के ऊपर नहीं आएंगे ना, ये लोग अगर आपके लिए काम करेंगे तो ही मेवात में काम होगा। ये जो पैरासूट से हो, चाहिए मान लो ये बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लड़के हैं या जो भी है पारिवारिक चला रहा है, वो सिस्टम खत्म करो मेवात के लिए। अगर आप चाहते हो मेवात में काम हो तो जमीनी सतह से उठ के जो नेता आता है उसके, उसको सपोर्ट करो, चाहे कोई भी हो, मैं उसके समर्थन में। आपको ये लगता है कि खानदानी जो राजनीति चली आ रही है वो विकास नहीं करा पाएगी? नहीं, नहीं करा पाएगी। आप करा पाती तो आपसे पहले कर देती सर। आप बताओ, खानदानी नहीं रहे, तैयब है खुर्शी दे, खानदानी नहीं थे क्या मेवात के लिए? पहले से क्या काम कराया आप बताओ मुझे। जावेद जी, अगर देखा जाए चुनाव से पहले वादा करते हैं, युवाओं में भी जोश होता है कि नई पीढ़ी को लाएंगे, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वही पुराने खानदान फिर दोबारा से चुन के आ जाते हैं, लगातार 70 साल से ही चला रहा है, इस बार बदलेगा? बदलाव करेंगे, अब बदलाव आएगा, अब जो नई जनरेशन आई है ना मेवात में वो बदलाव चाहती है। जो पुराने लोग हैं उन्होंने जो ना थोड़ा सा ये था कि वो उनके पीछे लग लग के ना उन्होंने अपना सिस्टम थोड़ा सा वो कर लिया कि भाई हाँ बंद गए, कि भाई हाँ हल्के हो गए। जो अब नई जनरेशन आई है
वो आगे बढ़ रही है, वो अपना भविष्य देख रही है, उन्हें जो बेटर लगेगा उसको सपोर्ट करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि राजनीति खड़ाने से है नहीं है, जो भी नीचे सदर से उठ के आएगा उसको सपोर्ट करेगी। जो मेवात की जनता है, क्या कुछ संदेश है आपको? मेरा संदेश ये है मेवात की जनता को कि मेवात की जनता अच्छे लोगों को चुन के भेजे ताकि वो आगे मेवात के लिए विकास करा सके, जमीनी सतह पे विकास करा सके। हवाई नहीं के भाई कह दिया, मुंह से कुछ भी कह देते हैं, सीएम साहब भी आगे डिक्लेयर कर दे या कोई भी करे, जमीनी सतह पे जो नेता है, जो वहाँ जाके मिले, चंडीगढ़ में जाके मेवात के लिए कहें, ऐसे नेता चाहिए सारे। टिकट मांगूंगा तो बीजेपी में शामिल हूँ।